कहते हैं भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसान और सरकार खुल के आमने सामने नजर आ रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये बिल किसानों के हित के लिए है और विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है सड़कों पर अन्नदाता लाठियां खा रहा है और किसानों को अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष सन्मर्थ समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू करे। MSP पर खुद प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ट्वीट करके साफ कर दिया कि ये बिल किसानों के हित के लिए है और हम किसानों के हितों के लिए बेहतर काम करते रहेंगे। अब देखना यह होगा क्या सरकार किसानों के आगे झुकती है या नहीं। कैमरा पर्सन काव्य सेन के साथ जयपुर से मनोज यादव की रिपोर्ट। नागौर जिले की जो कुचौन पंचायत समिति है उसमें आज सुबह 7:30 बजे से मतदान है शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के मतदान केंद्रों पर है जगह जगह पूरी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना की जा रही है। बिना मास्क के हैं मतदान केंद्रों पर, किसी भी प्रकार की जो मतदाता है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। उससे पहले प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं मतदान केंद्र पर, वहाँ पर बिल्कुल हाथों से सैनिटाइजर किया जा रहा है। इसी के साथ जो कुचौन पंचायत समिति है उसके 27 वार्डों में अब तक 26.36% मतदान हो चुका है। जब अपने पूरे कुचौन पंचायत समिति की बात करते हैं तो अब तक काफ़ी धीमा मतदान हुआ है। वहीं कुछ जो जीविया ग्राम पंचायत है उसके लिए वार्ड नंबर 3 से जो मतदान हो रहा है वहाँ भी अभी तक 32% मतदान ही हो चुका है। कैमरा पर्सन दिनेश कड़वा के साथ DPK न्यूज से धनसुख सैनी।